सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर शहर में धरल्ले से प्रतिबंध गुटखा बेचा जा रहा है। वहीं एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5,80,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक महेश रालेबाद को गुप्त जानकारी मिली कि सचिन गुप्ता, जो कैंप 3 OT सेक्शन बैरक नंबर 1081 में रहता है, सचिन ने अपने घर में प्रतिबंधित गुटखा जमा कर रखा है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां रेड की और पुलिस ने 5,80,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त करते हुए पुलिस ने IPC के कई धाराओं में गुनाह दर्ज करते हुए सचिन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में दीपक वलेशा, मुकेश डिंगड़ा और किशन फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं न्यायालय ने सचिन गुप्ता को 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी है और आगे की जाँच सेंट्रल पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रही है। कल दिनांक 5/12/22 को दोपहर 2:30 बजे के दरमियान सहायक पुलिस निरीक्षक श्री महेश राड़ेबाद, इनको जानकारी मिली थी कि सचिन गुप्ता नाम का इसम अपने पास में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला अपने पास रखा है। उस हिसाब से उन्होंने 2 पंच के साथ उन्होंने वहां रेड कार्रवाई किया था। उसके वहां उनको 5,80,000 रुपये का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला, ये सब माल मिला है। उनके खिलाफ में हमने 328 बादवी और इतर सेक्शन के मुताबिक गुनाह दाखिल किया है। उनका 4 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है और आगे की जांच जारी है। कितने आरोपी हैं और क्या इनका? अभी उन एक आरोपी अटक किया हुआ है और बाकी अदर्स 3 आरोपी हमको वांटेड है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।